हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चिकन बिरयानी बना रहा हूँ जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको बताऊंगा कि घर पर कैसे दम बिरयानी बनाई जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस किचन में। अच्छी क्वालिटी का बिरयानी मसाला आपको घर पर ही बनाना पड़ेगा। बिरयानी मसाला को घर पर कैसे बनाया जाता है ये मैं आप सबको अभी दिखा रहा हूँ। जीरा, तेज पत्ता, धनिया, साबुत गरम मसाले, इन सबको मिक्सर में पीस देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, बिरयानी मसाला तैयार है। अब मैं प्याज को क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगा। प्याज कट चुकी है, चलिए फ्राई करते हैं। प्याज डीप फ्राई हो चुकी है, चलिए अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट तैयार है। मैंने इस प्रिपरेशन के लिए 1 kg चिकन लिया है जिसको मैं मैरिनेट करूंगा। सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला, घी, नमक, बिरयानी में नमक को हमेशा ज्यादा मात्रा में डालें, दही, इन सबको अच्छे से मिला लें। फ्राइड ऑनियंस, धनिया पत्ता, इस मिक्सचर को अगले आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैंने बिरयानी में डालने के लिए आलू कट कर लिया है। अब मैं 700 ग्राम चावल को पानी में भिगो देता हूं। आधा घंटा हो चुका है, अब वक्त आ चुका है मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करने का। तो चलिए दोस्तों, गैस को ऑन करते हैं। सोयाबीन ऑयल, तेल गरम हो चुका है, चिकन को ढकने से पहले मैं अच्छी तरह से उसे फ्राई कर रहा हूँ। मैंने कढ़ाई में आलू डाल दिया है, चिकन को मैं ढक देता हूँ अगले 20 मिनट तक।
चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ। चिकन तैयार हो चुका है। अब वक्त है बिरयानी के लिए राइस बॉयल करने का। राइस को हाई फ्लेम में बॉयल करना है। पानी में सबसे पहले मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, नमक, नींबू का रस, तेल। पानी जैसे ही खोलने लगेगा मैं इसमें चावल डाल दूंगा। हमें चावल को 70% बॉयल होने तक ही कुक करना है। राइस रेडी है। जिस गमले में बिरयानी बनेगी उसमें मैंने घी लगा दिया है। सबसे पहले मैं इसमें चिकन डाल रहा हूं। फ्राइड ऑनियंस, धनिया पत्ता, राइस, मिल्क और केसर का मिक्सचर, फ्राइड ऑनियंस, धनिया पत्ता, बिरयानी मसाला, राइस, घी। अब मैं गमले को सील कर रहा हूं। इसे मैंने मैदे से बनाया है। गमला सील हो चुका है। चलिए अब इसको गैस पर रखते हैं। बिरयानी लो फ्लेम में अगले 20 मिनट तक पकेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।